गाइस। जानिए अजय देवगन की इस अपकमिंग फिल्म के बारे में और साथ ही जानिए फिल्म की कहानी। बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज रुद्र को लेकर काफी बिजी हैं और ये वेब सीरीज 21 जुलाई 2021 को फ्लोर पर भी आ जाएगी। लेकिन आज हम अजय देवगन की वेब सीरीज को लेकर नहीं बल्कि उनकी एक अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करेंगे और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ही है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम इस फिल्म की शॉर्ट कहानी और इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस फिल्म की शॉर्ट कहानी को। तो ये फिल्म 1970 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में होगी और ये भुज के हवाई अड्डे के इंचार्ज AIF स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के जीवन पर आधारित होगी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्थानीय गांव माधापारी की 300 महिलाओं की मदद से भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे का पूर्ण निर्माण किया था। ये तो थी फिल्म की शॉर्ट कहानी। लेकिन अगर हम इस फिल्म के बारे में जानें तो ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको डायरेक्ट किया है अभिषेक दूधिया ने और प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार और जीनी खनूजा ने। फिल्म की लीड एक्ट्रेस की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और नौरा फतेही जैसे दमदार कलाकार देखने को मिलेंगे। अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के किरदार में नजर आएंगे। वहीं संजय दत्त भारतीय सेना स्काउट रणछोड़दास बगी के किरदार में होंगे, सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेटा मदर परी के किरदार में और नौरा फतेही जासूस हीना रहमान के किरदार में देखने को मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में पूरी की गई थी और अब इस फिल्म को कोरोना के चलते डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करने की बात हो रही है। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म के बारे में जानकर कैसा लगा वो हमें जरूर बताएं।